हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुटेक। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसका मैं ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। अगर आप भी ऐसा वीडियो बनाते हो तो आई एम श्योर कि आपका वीडियो भी वायरल होगा। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में थोड़ा मेहनत होने वाला है। ओके, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना। तो सबसे पहले गाइस, हम लोग क्या करेंगे, काइन मास्टर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड द 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक वीडियो लेकर आ जाना है जिसको आपको एडिट करना है। तो मैंने इसको टिकटॉक से डाउनलोड किया है जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं इसी गाना पर आप ये स्टेप करें, आप कोई भी गाना पर कोई भी स्टेप कर सकते हैं। जस्ट मैं प्रोसेस बताऊँगी इस वीडियो को कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि वीडियो है क्या, इसमें क्या हो रहा है। ये तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसको एडिट करना अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका स्टार्टिंग में आ जाऊंगी एंड देन इसको दोनों फिंगर से जूम कर लूँगी, इससे हम लोग को थोड़ा इजी पड़ेगा। अब यहाँ से हम सबसे यहाँ से आगे आएंगे एंड फर्स्ट स्टेप इसका जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं हाथ जहाँ पे ये ऊपर किया है, ठीक है। तो यही वाला स्टेप हमको चाहिए। तो जहाँ पे ये हाथ ऊपर किया वो सर्च करेंगे यहाँ पे एंड फिर ये जो लेयर है उस पर क्लिक कर देंगे एक बार। ओके, तो कर दी क्लिक एंड फिर यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड ये आपका मेमोरी में सेव हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे आएंगे एंड फिर यहाँ पे जब पैर उठा रहा है ये वाला स्टेप भी हमको चाहिए, फिर यहाँ पे जाएंगे एंड इसको भी सेव कर लेंगे। ओके, तो ऐसे कर करके आपको जो जो पार्ट चाहिए उस पर आप ऐसे जाइएगा एंड सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा। फिर यहाँ पे भी मुझे चाहिए तो इस पर फिर मैं थोड़ा सा हाँ जहाँ पे हाथ उठाया। ओके, ऐसे करके आप हर जगह कर लीजिएगा। तो मैंने कर लिया है, अब यहाँ से काम बंद हुआ। अब हम लोग को दूसरा ऐप में जाना पड़ेगा जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। ओके, तो पहले हम चलते हैं वहाँ पर। ओके, ये रहा, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लोड अ फोटो, उस पर आपको क्लिक करना है एंड अभी अभी जो हम लोग कैप्चर किए थे काइन मास्टर से उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं पहले एक कर लेती हूँ इसको। ओके, उसके बाद मैं पहले क्रॉप कर लूँगी, जो पार्ट मुझे चाहिए बस वही पार्ट को मैं क्रॉप करूँगी, ठीक है। तो बस मुझे उसका हाथ चाहिए, मैं इसे क्रॉप कर लूँगी एंड फिर ऊपर में आपको टिक का ऑप्शन दिख रहा है, आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, क्लिक करने के बाद ये मैनुअल में आपको रहना है एंड फिर यहाँ से इसको साइज़ को आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रही हूँ एंड देन फिर बैकग्राउंड को यहाँ से इरेज कर लेंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस टाइप से आपको इसको इरेज करना है बैकग्राउंड को, यू कैन सी। ओके, तो मैंने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ऊपर में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आप देख सकते हो ऊपर में टिक का ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर में सेव दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे एंड देन उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिर ऐसे कुछ इंटरफेयर्स होगा, फिर लोड इमेज पे जाकर आप फिर से वो प्रोसेस को रिपीट कीजिए, जितना आप कैप्चर किए वो सबको लाइएगा एंड उसका बैकग्राउंड को इरेज कीजिएगा। ओके, तो मैं इस स्टेप सारा नहीं दिखाऊंगी। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग फिर से वापस चलते हैं अपने काइन मास्टर ऐप में जहाँ पर हम लोग वीडियो एडिट कर रहे थे। सो मैं कर लेती हूँ ओपन। ये जो है ये मेन पार्ट है, यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है एंड देन उसके बाद ये ओपन हो गया। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इसको जूम कर लेंगे, सारा स्टेप हमको क्लियर दिखेगा। अब फिर लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे एंड जो बैकग्राउंड इरेज किए थे उसको सबसे पहले ला लेंगे, फर्स्ट वाला को सबसे पहले लेंगे एंड देन फिर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर में ले जाकर रख देंगे। अप्रॉक्स यहीं कहीं था, ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे रख दीजिएगा कहीं भी एंड फिर वीडियो को प्ले करके देखेंगे और वो पार्ट को सर्च करेंगे जहाँ हाथ ऊपर उठाया, ठीक है। तो मैं करती हूँ सर जहाँ पे वो अपना ये हाथ ऊपर उठाया, तो यही है। अब उसके बाद ये लेयर पे क्लिक करूँगी, कैंची पे जाऊँगी एंड इसको ट्रिम टू राइट और प्लेहेड कर दूँगी एंड देन ओके कर दूँगी। फिर उस लेयर पे क्लिक करेंगे एंड फिर इसको इसका हाथ के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, बहुत बड़ा है, आपको भी ऐसे एडजस्ट करना बड़ा छोटा करके। ओके, और मैं ले जाकर इसको हाथ पे एकदम लगना चाहिए कि एकदम रियल है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ऊपर से उठा कर रखें। तो मैं साइज़ को और छोटा कर लेती हूँ एंड इसको ऊपर ले जाकर बैठा देती हूँ उसको, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो। ओके, ये हो गया, अब ओके कर देंगे। फिर इस लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पे क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ प्लस पे क्लिक कर देंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसका स्टार्टिंग के पॉइंट में आ जाना एंड फिर इसको ड्रैग करके ऐसे साइड हटा देना एंड ओके कर देना। फिर से हम लोग स्टार्टिंग में लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे एंड फिर सेकेंड वाला स्टेप को लेकर आएंगे जिसका बैकग्राउंड हम लोग इरेज किए थे। ओके, उसको भी मैं ला दी एंड फिर ओके कर देते हैं एंड फिर आपको वीडियो प्ले करके देखना है जहाँ पे ये अपना दूसरा हाथ उठा रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना हाथ उठा रहा है, ठीक है। तो वो स्टेप को हम सर्च करते हैं जहाँ पे अपना हाथ को उठाया ये वाला,
तो कहीं यहाँ, ओके ये है। फिर इस लेयर पे क्लिक करेंगे हम एंड फिर कैंची पे जाएंगे एंड ट्रिम टू राइट ऑफ लेहेड कर देंगे। ओके फिर से अब हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे एंड इसको भी ले जाके उसके हाथ पे रख देंगे। ठीक है तो मैं इसको ले जाती हूँ, इसका भी साइज़ कुछ बड़ा है तो इसको मैं पहले छोटा कर लेती हूँ साइज़ को। यहाँ से एरो को आप ऐसे करके छोटा कर लीजिएगा एंड फिर इसको एडजस्ट करके इसके एकदम हाथ के ऊपर रख देना है, जैसे कि एकदम रियल लगना चाहिए। ओके तो मैंने ऊपर रख दिया, ओके कर देंगे एंड फिर से इस लेयर पे क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे भी प्लस पे क्लिक कर देंगे एंड फिर स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और फिर इसको ड्रैग करके स्क्रीन से गायब कर देंगे। ओके तो ऐसे करके आप जितना भी लिया है इरेज करके बैकग्राउंड उसको ऐसे करके एडिट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो कैसा हुआ। ओके तो आप देख सकते हैं कुछ वीडियो ऐसा बना, अब बस स्टेप सारा फॉलो कीजिएगा फिर वीडियो ऐसा हो जाएगा।